पंजाब में क्लीन स्वीप के बाद बहुत से सरकारदार लीडरों ने जम्मू में आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जम्मू श्रीनगर पर अपनी नजर जमाए है और रियासत में अपनी बुनियाद को फैलाना शुरू कर दिया है। आज सरपंच बानी रोशन मनहास ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। एबीपी न्यूज के लिए हमारे नुमाइंदे सज्जाद चौपान की ये रिपोर्ट। चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा 2014 से आज 2022 तक रहा। पहले उसके पहले मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, फिर उन लोगों ने मुझे सरपंच बनाने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो मैं बनी के आवाम से आज इस कांग्रेस पार्टी से जो घुटन महसूस हो रही है, कांग्रेस पार्टी एक कुर्ते पजामे वाली पार्टी रह गई है, जो लीडर के साथ मिलती है, फेसबुक व व्हाट्सएप की राजनीति रह गई है। हम लोगों को इन जितनी भी पार्टियां हैं, एनसी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, पीडीपी है, इनको एक सबक लेना चाहिए। जो पंजाब में रिजल्ट निकला और जो एक पीएम एक सीएम कैडर के आदमी, एक सिद्धू जो एक सीएम कैडर का आदमी था, बादल 40 साल जिन्होंने राजनीति की, उनको किन लोगों ने हराया, जो एक गरीब घराने से तलक रखते थे, एक जो सीएम था चन्नी साहब, उसको किसने हराया, एक औरत जो थी वो एक चपरासन और सफाई का काम करती थी। इससे सबक लेना चाहिए इन लोगों को। इन लोगों से पूरी आवाम दुखी है, तंग आ चुकी है, और इस कारण से हमें केजरीवाल के जो मैनिफेस्टो हैं, केजरीवाल की जो विचारधारा है और आम लोगों को साथ लेकर चलने वाली जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है, वो केजरीवाल जी हैं। हम आने वाले 2024 के अंदर उनको पीएम चेहरा देखना चाहते हैं, और हम हमारी जहाँ जितनी भी हम स्टेट की जहाँ तंजीम है उनको हमने देखा।